Henri Charrière ka Papillon, one of the most famous books in the world hai, aur aaj hum uska review karne wale hain. It's not more than a review, ye zyada hai aap logo ke paas ye book pahunchane ka, aap logo ko ek knowledge dilane ka ki ye book exist karta hai, ye, aur it is like a must read in all of our lives. जिसको जिन्होंने ये बुक लिखा है उनका फोटो मैं दिखा देता हूँ. ये है एक लाइफ लॉन्ग क्रिमिनल और इनका ही नाम है ऑरी शैरियर ऑथर और इनका ही नाम है पैपिलॉन. पैपिलॉन इनका निकनेम है और इसका मतलब होता है बटरफ्लाई. तो उनका एक टैटू हुआ करता था जिसके लिए उनको पैपिलॉन नाम दिया गया है और पेटी क्रिमिनल थे और फ्रांस के रस्तों में, पेरिस के रस्तों में इनका गुंडागर्दी करना और माफियागिरी करना इनका काम था. 1931 में इनको ये बोलते हैं कि इनको फंसाया गया है एक मर्डर केस में और प्रूफ भी हुआ कि उन्होंने मर्डर किया है और प्रूफ होने के बाद इनको काला पानी पार करवा दिया गया. काला पानी पार सुन के आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि यह सुना सुना है या फिर आप लोग जानते भी होंगे. इंडिया में जब ऐसे क्रिमिनल्स को या फिर फ्रीडम फाइटर्स को दोषी पाया जाता था तो उनको काला पानी पार करके लेके जाया जाता था अंडमान. और अंडमान में एक जो सेंट्रल जेल है, जो हार्ड प्रिजन है, हार्ड, वहाँ पर उनके ऊपर टॉर्चर एंड गॉड नोज व्हाट नॉट किया गया. और ये काफी नॉर्मल एक सिनेरियो है ब्रिटिश या यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स में, जो अपने सिटीजन्स को या फिर अपने कॉलोनीज के सिटीजन्स को जब उनके पावर के अगेंस्ट में जाता थे या फिर कोई भी क्राइम, जेन्युइन क्राइम करते थे तो उनको दैट सोसाइटी से उनको हटा दिया जाता था. जैसे ऑस्ट्रेलियन पिनल कॉलोनीज जो बोलते हैं हम लोग, पिनल कॉलोनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट जेल कॉलोनीज, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया लेके उन लोग को डिपोर्ट किया जाता था क्रिमिनल्स को. और उनको जैसे कोलंबस की कहानी में तो आप लोग को जानते ही होंगे कि कोलंबस ने पूरे यूरोप से कट थ्रोट्स को, मतलब जो 72 से 72 क्रिमिनल्स जो होते हैं, चोर, खूनी, डकैत, सबको लेके गए थे न्यू लैंड की तरफ, जो तब अमेरिका उसका नाम नहीं हुआ. और यही जो फ्रांस का जो कहानी है, सिमिलर की तरीके की कहानी है, उनका हुआ करता था ऐसा कॉलोनीज साउथ अमेरिका में. नेपोलियन ने तो मिडिल ऑफ अमेरिका को ओन करते थे और वो जस्ट इन 1850s उन्होंने आज की यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने बेचा. तो ये कॉलोनियल पावर्स का ऐसे ही इस सिचुएशन का एक कहानी है ये पैपिलॉन. यहाँ पर 1931 में पैपिलॉन को, जैसे मैंने बोला कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया इस पिनल कॉलोनी में, और उधर उनका जो कहानी था वो पहले पढ़ के विश्वास नहीं होगा कि ये शायद कोई फैंटेसी है, कहानी है, ये सच नहीं हो सकता. और मेरे लाइफ में ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट काइंड ऑफ एडल्ट बुक विथ एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी हो या सेक्स हो या फिर ब्रूटल ह्यूमन टॉर्चर हो, जिसका जिक्र इधर है. और दिस इज सबसे जो अजीब कहानी है इसका कि ऐसे एक जगह पे जाने के बाद लोगों का मोरल टूट जाता है और नॉर्मली उधर ही आखिरी सांस लेते हैं लोग, लेकिन हमारे ऑरी शारियर ने ऐसा नहीं सोचा. 8 बार उन्होंने उस जेल से
भागने की कोशिश की। और आपको बता दूं ये जेल था वेनेजुएला और ब्राजील के बीच में, फ्रेंच न्यू गिनी आइलैंड्स के उधर, जो अभी भी एज ऑफ 2019 ओनली कॉलोनी काइंड ऑफ या ओवरसीज एडमिनिस्टर्ड जोन कहते हैं उसको इन नॉन पॉलिटिकल टर्म्स, फ्रेंच गवर्नमेंट का उधर रूल चलता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाज में, दो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में कोई यूरोपियन पावर्स का अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेट जोन नहीं है सिर्फ सिवाय इसके, एंड दैट इज द फ्रेंच न्यू गिनी आइलैंड्स। उधर डेविल आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, दैट इज दैट बिकम फेमस बिकॉज ऑफ दिस बुक, और जैसे आप इधर देख रहे हैं द बुक दैट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। तो ये बुक एक्चुअली फ्रेंच में लिखा गया था और इसको ट्रांसलेट किया एक ब्रिटिश बंदे ने, आयरिश थे शायद ये, पैट्रिक ओब्रायन। और इसमें जो डिटेल है एक ह्यूमन स्पिरिट का, आपको घिन लगेगा ऑडी शारियर की तरफ, लेकिन वो इतना ट्रूथफुल है कि उन्होंने क्या क्या किया था और जेल में जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने मर्डर किया, वो उसका भी कॉन्फेशन है इसमें। और उन्होंने कैसे भागे वो इस नरक से, डेविल्स आइलैंड जिसको बोला जाता है, एक मेकशिफ्ट राफ्ट बना के वो आइलैंड में जो पेड़ थे उसके उसको कलेक्ट कर करके कैसे वो भागे, और उनका सबसे अच्छा दोस्त लुई डेगा उसका क्या हुआ। और हॉरिफाइंग चीज ये है कि वो उधर से भाग 8 बार तो भागे, लेकिन हर बार किसी ना किसी तरीके से वो पकड़े गए या उनको वापस लेके आना पड़ा उनको। और वो ऑलमोस्ट 1945 तक टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू उनका यही चलता रहता। जो मुझे इस स्टोरी में सबसे हॉरिफिक लगा, मैं आपको बता देता हूँ कि एक लिपर आइलैंड है, लिपर आइलैंड जो कुष्ठ हम कहते हैं, जो लेप्रेसी रोग है जिसका तब तो अभी भी नहीं है, इनक्यूरेबल है। तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्विक्ट, बहुत सारे ऐसे लोगों को ये हो जाता था रोग, क्योंकि सैनिटेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनको मेन आइलैंड से ले जाके एक लेपर आइलैंड, यहाँ पर ऐसे लेप्रेसी के लेप्रेसी से जूझ रहे लोगों को रखा जाता था, मरने के लिए भेज दिया जाता था। तो उन लोगों को और क्या, उनको तो जेल में रख के कोई फायदा नहीं है। एक सीन है इस बुक में जब ये चाय पी रहे हैं, वो भाग गए हैं, ये थर्ड या फोर्थ टाइम भागे हैं डेविल्स आइलैंड से, और जाके लेपर आइलैंड में अटक गए हैं और उधर से निकल नहीं पा रहे, और वो चाय पी रहे हैं लेपर कॉन्विक्ट्स के साथ जो जिनको उधर देखे गया, और एक का उंगली खुल के आ जाता है। एंड इट्स हॉरिफाइंग कि इंसान कैसे सिचुएशन में भी जिंदा रह सकता है। उसके बाद उधर से भाग के वो लोग नॉर्थ अमेरिकन सॉरी साउथ अमेरिकन ट्राइब्स ने इनको पकड़ लिया, उधर उन्होंने शादी किया, फिर से उधर से भी भागे अपने साउथ अमेरिकन ट्राइबल बीवी को छोड़ के, और फाइनली जाके वेनेजुएला में जब ये उतरे इनको फिर से पकड़ लिया गया, वेनेजुएलन आर्मी ने, पुलिस ने इनको पकड़ा और ये जेल में थे। और कैसे उनको मुक्ति मिलता है और कैसे फाइनली वो वेनेजुएला के सिटीजन बन जाते हैं, उधर वो शादी करते हैं, अपने एक घर बसाते हैं और छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, और इसी को लेके कहानी है पैपिलोन, द स्टोरी ऑफ अ कॉन्विक्ट। जब ये निकला था पूरा स्प्लिट हो गया दुनिया की, ये सच है कि सच नहीं है, तो बहुत दिनों तक ये इंटरव्यूज देते रहे, आपको यूट्यूब में इंटरव्यूज भी मिलेगा ऑडी शारियर का, फ्रेंच में है, आप सबटाइटल्स ऑन करके देखना पड़ेगा आपको।
और फाइनली जाकर 1970s में हेनरी शारियर को फ्रेंच गवर्नमेंट ने पार्डन किया और फाइनली वो फ्रांस लौट पाए। तो आई रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़िए, इट्स लाइफ चेंजिंग बुक, इट्स आई ओपनिंग बुक कि इंसान कैसा होता है और इंसान कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे जगह पे जा सकता है, कैसे कैसे सिचुएशन में पढ़ के भी जिंदा रह सकता है और ह्यूमन स्पिरिट का जो इवोल्यूशन है कि आप कहीं पे भी स्टार्ट करो आप अच्छाई की तरफ जा सकते हो, आपका जो अतीत है उसको छोड़ के आप आगे जा सकते हो, इंसान में चेंज आ सकता है और कैसे इस भयंकर जानने में आपके दोस्त होंगे दुश्मन होंगे और कैसे आपका खून निकलेगा और आपको भगवान न करे किसी का खून निकालना पड़े लेकिन फिर भी आपको जीना पड़ेगा और जीते रहो, किसी भी तरीके से जीते रहो, उसी का कहानी है पैपिलॉन। जरूर पढ़िए, इट्स अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम ब्रेन एटिक और अपने ब्रेन एटिक में एक नया एक्सपीरियंस, नया एडवेंचर स्टोरी, रियल एडवेंचर स्टोरी लेके आए।